हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन लेक्चर 4 एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इज कोरिजन एंड रेंसिडिटी। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक, कोरिजन एंड रेंसिडिटी। तो आज हम ये समझेंगे कि कोरिजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है। तो दोनों में कॉमन, सबसे पहले आपको बता दूं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो कोरिजन एंड रेंसिडिटी बोथ आर द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब आप ये समझ लीजिए कि रेंसिडिटी और कोरिजन दोनों ऑक्सीडेशन का रिजल्ट है, दोनों ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से ही होते हैं। तो व्हाट इज कोरिजन, जो हमने कल आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाया था, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन बताया था कि ड्यू टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ ऐड होना या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो उस ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है वो हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत इफेक्टेड करता है। और उसमें से दो पार्ट जो हमारा वो है, वो कोरिजन एंड डेंसिटी है। तो व्हाट इज़ द कोरिजन, तो द फिनोमेना ड्यू टू विच द मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इज कॉल्ड कोरिजन। मीन्स कि हमारे एटमोसफियर में जो एयर है, वाटर है या केमिकल प्रेजेंट है, वो हमारे मेटल को धीरे धीरे डीके कर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम कोरिजन कहते हैं। और कोरिजन का एग्जांपल, कोरिजन को ही हम दूसरी फॉर्म में रस्टिंग कहते हैं, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, दीज आर द रिजल्ट ऑफ कोरिजन। दीज आर द रिजल्ट ऑफ कोरिजन ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड रस्टिंग। और इस रस्टिंग से हमारे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड में लाखों टन जो हमारे ये मेटल्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये हमारे इनका जो है ईटन अवे हो जाते हैं, इनका डिके हो जाता है। तो इट इज़ ए बहुत हैवी लॉस होता है ड्यू टू द कोरिजन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरिजन का। तो कोरिजन के प्रिवेंशन के लिए हमारे पास सबसे अच्छा जो अभी तक सॉल्यूशन है वो है इसका, इन मेटल्स की क्या कर दी जाए, एक पेंट की कोटिंग कर दी जाए। जैसे आप देखते हैं कि लोहे के चौखट में, दरवाजों में, एंगल में हम लोग पेंट जो करते हैं, वो पेंट एक तरह से ऑक्सीडेशन से उस मेटल को प्रोटेक्ट करता है। तो यही हमारे पास मेटल को प्रिवेंट करने का एक प्रिवेंशन का एक तरीका है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे फूड मटेरियल हैं, अगर यही ऑक्सीडेशन प्रोसेस फूड मटेरियल में होता है, फूड मटेरियल से मेरा मतलब है जो हमारे बायो मॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब हमारे फूड मटेरियल कहलाते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस फूड मटेरियल में हो जाए, तो उसी ऑक्सीडेशन को अब हम कोरिजन ना कह के हम उसे रेंसिडिटी कहते हैं। यानी कि ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, द फूड मटेरियल बिकम्स स्मेलिंग और खराब हो जाते हैं। तो इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल में जो मेनली हमारे जो ऑयल होता है और फैट होता है, उसी का मेनली ऑक्सीडेशन होता है, उसी की वजह से फूड मटेरियल में स्मेल वगैरह आती है। तो इट इज़ ऑल्सो हैवी लॉस ऑफ फूड मटेरियल ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। तो इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी यानी कि फूड मटेरियल को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक कोरिजन। कोरिजन में तो हमने जिसको प्रिवेंट करना है उसमें हमने पेंट मार दिया। अब ये हमारा फूड मटेरियल, तो फूड मटेरियल में हम पेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कीपिंग द फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में उसे हम पैक कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, आपको पता है अच्छे से कि हमारा रेफ्रिजरेटर है, उसका हम फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने का ही काम करते हैं, उसका प्रिवेंशन ही करते हैं। पैकिंग ऑफ फूड इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस नॉट बाय एयर, मतलब हमारे बहुत सारे बाजार में बीवरेजेस आते हैं, तो आपने देखा होगा नमकीन आता है, चिप्स आते हैं, ये सब हमारे जिस पैकेट में पैक होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस उसको रेंसिड नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन फूड मटेरियल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत लेस रिएक्टिव है। और तीसरा, हमारे पास कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं,
लाइक बी एच ए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन एंड बी एच टी. बी एच ए एंटी ऑक्सीडेंट होता है. बी एच ए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन और दूसरा होता है बी एच टी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन. ये एक केमिकल कंपाउंड है और ये केमिकल कंपाउंड एंटी ऑक्सीडेंट का काम करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोक देते हैं. दैट इज कॉल्ड एंटी ऑक्सीडेंट. तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक था और ये इस तरह से चैप्टर यहाँ पे एंड होता है. और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोट्स है उसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, कुछ मैंने पहले से भेज रखे हैं. और इसकी एक्सरसाइज भी आपको करनी है, क्वेश्चन आंसर भी भेज जाएंगे. तो उसके बाद हम इसका इस चैप्टर का एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराएंगे. तो थैंक यू सो मच. इट इज़ इनफ फॉर टुडे. स्टे होम, सेफ रहिए. थैंक यू.